नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। देखिएगा, अगर हम इस हथेली पे एक नज़र करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे उंगलियों को देखेंगे। आप अगर देखोगे यहाँ पे तो जुपिटर माउंट की जो उंगली है वो बिल्कुल शनि की उंगली की तरफ झुकती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। इसका मतलब है ईश्वर के प्रति आस्थावान व्यक्ति हैं और ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था आप रखते हैं। दूसरी बात, आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो आपकी तर्जनी उंगली है, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, वो फिंगर यहाँ पे जो आपकी सूर्य की उंगली है ये इससे जो है बड़ी प्रतीत हो रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से जो है यहाँ पर छोटी दिखाई दे रही है। ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था कही जा सकती है क्योंकि ये गुरु के ऊपर बनने वाली उंगली है। ये जो फिंगर है ये गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति के ऊपर बनने वाली फिंगली है। ऐसे में ये आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई यहाँ पे दिख रही है। आप कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से रह सकती है क्योंकि ये लीडरशिप के गुणों को बताती है। अब हम बीच वाली उंगलियों को अगर देखते हैं यहाँ पे जो शनि की उंगली है, ये शनि की उंगली सीधी तो है लेकिन थोड़ा सा इस तरफ से मुड़ रही है ऊपर की ओर से। बहुत ज़्यादा मेहनती है लेकिन आपको हद से ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। सूर्य की उंगली देखें तो इस तरफ किसी न किसी तरह से हल्के रूप में मुड़ रही है और इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं धन और मान प्रतिष्ठा पाने की चाह बनी हुई दिखाई दे रही है। ये उंगली काफ़ी छोटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है मनी मैनेजमेंट में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कहीं ना कहीं हल्का गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर तो सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे सूर्य की उंगली की ओर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये फिर श्रेष्ठ अवस्था है। देखिएगा, सूर्य पर्वत की तरफ झुकाव होता है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, जो जातक होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यश पाने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और देखो, जब आप समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने की चाह रखते हैं ना, तो आप लोग कार्य भी ऐसे ही करते हैं, बहुत सुंदर कार्य करते हैं, उस कार्य को करते हैं जिसमें मान बढ़े, सम्मान बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में सभी ग्रह अगर अच्छे हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं, तो अधिकारी, उच्च पदस्थ या श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनता है। ये बहुत सुंदर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। ये उंगली बड़ी तो है लेकिन देखिएगा, वर्तमान समय में इसका जो जड़ वाला भाग है जिसको हम गुरु बृहस्पति कहते हैं, वो इस स्थान पे बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। आपकी हथेली में धन का ग्रह जो है बिल्कुल साधारण अवस्था में है और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देती हुई दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ये बात जरूर है, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत डवाडोल नहीं होगा लेकिन बहुत उत्तम भी यहाँ पे नहीं माना जा रहा है, ठीक ठाक स्थिति में दिखाई दे रहा है। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना हुआ दिख रहा है। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिएगा, एक रेखा यहाँ से निकलकर जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेस लाइन, वो गुरु माउंट से मिलती हुई नज़र आ रही है। जीवन रेखा से आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के गुण भी मौजूद हैं और जैसे ही आपका गुरु का पर्वत अनुकूल होता है, सुंदर भाव में आ जाता है, तो निश्चित ही जो है जीवन काल में लीडरशिप का कार्य भी आपको मिलने लगेगा। और एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे एक मछली का भी चिन्ह बनते हुए हल्के रूप में दिखाई दे रहा है। जब सूर्य और आपका गुरु अनुकूल स्थिति में आ जाते हैं, सुंदर स्थिति में आ जाते हैं, तो
अगर अपना काम करते हैं तो अपनी मेहनत और अपने पुरुषार्थ के बल पर दिन दूनी रात चौगुनी जरूर करेंगे और काम का विस्तार जो है यहाँ पे अच्छा भला होगा। इसके लिए मैं आपको सुंदर उपाय भी दूंगा। अब देखिएगा आपकी हथेलियों को ये जो तीसरे पौरवे हैं ना, इनके बीच में कुछ ना कुछ छिद्र दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब होता है व्यक्ति खर्चीला स्वभाव का ज़्यादा है। हथेली में पैसा तो आता है लेकिन जिस रूप से बचना चाहिए उस रूप से बचता नहीं है। लेकिन जब ओल्ड एज आ रही है, ज़्यादा समृद्धि होगी, ज़्यादा यश की प्राप्ति होगी, ज़्यादा संपन्नता दिखा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत सुंदर रेखा आपकी हथेली में है, गजब की रेखा है, और ये रेखा अभी केवल आभास हो रही है। अगर ये रेखा है और सही रूप से आपकी हथेली में बनती है तो आने वाले 5 वर्षों के बाद, अभी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि ये पुष्ट होते होते 5 साल लगाएगी, आने वाले 5 वर्षों के बाद निश्चित तौर पे जो है धन के मामले में सर्वश्रेष्ठ स्तर तक पहुंचेंगे। और कैसे, ये मैं दिखाता हूँ। एक देखिएगा आपके यहाँ से प्रतीत होती हुई एक रेखा, ये ऊपरी मंगल है, और यहाँ से प्रतीत होती हुई इस सूर्य पे, ये रिंग फिंगर है आपकी, ये रिंग फिंगर इसके नीचे तक जाती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे जातक की तरक्की घर से दूर होती है और कहीं ना कहीं विदेश से भी धन के योग ये रेखा बनाती है। ये रेखा इतनी सुंदर है और साथ में भाग्य रेखा भी इस तरह से है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति को विदेशों से भी धन का आगमन होता है। और अभी ऐसा व्यक्ति यदि प्रारंभिक दौर में मजदूरी कर रहा हो, 5-6 लोगों के नीचे काम कर रहा हो, लेकिन ये रेखा प्रबल होती है तो ऐसा आदमी अपने यहाँ 500-600 लोगों को काम देने की हिम्मत रखता है। ये रेखा ऐसी है लेकिन अभी बनी नहीं है, 5 साल के बाद जो है उसमें पुष्टता आएगी उसके बाद, मगर इसका जो है मैं उपाय ज़रूर दूंगा। वो प्रार्थना ज़रूर करें, वो वैज्ञानिक उपाय ज़रूर करें जिससे ये रेखा प्रबल हो जाए और अपना फल देना शुरू करे। यहाँ पे आपकी मुख्य रेखा में से अगर देखोगे आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जो है तर्जनी और मध्यमा के बीच यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ से निकल रही है? बुध के नीचे से। कहाँ जा रही है? गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में है। तो जब ये रेखा इन दोनों पर्वतों के बीच में जा रही है तो आप लोगों को पता भी होगा, मैंने कई वीडियोज भी बनाई है, इसमें देवगुरु बृहस्पति का और शनि महाराज जी का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में जीवन काल में आप बड़े महत्वाकांक्षी हैं, इस बात को दिखा रही है। वर्तमान में जो आपकी सोच है बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और इस रेखा पर गुरुश्रेष्ठ बृहस्पति महाराज जी का यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। बल आने के कारण आपकी जो इच्छा है सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुँचने की होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन वहीं पर शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है। भाई हृदय रेखा है, दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, बीच में है, शनि का प्रभाव पड़ रहा है तो आगे बढ़ने के लिए कैसी भी मेहनत करनी पड़े, कैसा भी परिश्रम करने पड़े करेंगे, ये न के न प्रकार चाहे जुगाड़ लगाना पड़े पर लगाएंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे। दोनों ग्रह जो है इस ओर आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपकी अगर हम यहाँ पे जीवन की रेखा देखते हैं, जीवन की रेखा बिल्कुल धनुषाकार दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर जीवन रेखा है और बहुत अच्छी जीवन रेखा है। देखिए जीवन में थोड़ा सा मंगल के कारण हल्का मानसिक दबाव रह सकता है, संघर्ष रह सकता है, लेकिन जो उन्नति है वो रुकेगी नहीं। हाँ, आपकी मणिबंध की रेखा है, देखिएगा पहले बहुत उन्नति ये दिखा रही है यहाँ पे, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा यम का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर बाद में ये सही है। पहले बहुत अच्छा समय दिखा रही है लेकिन इस बीच में सब कुछ गंवाता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके बाद पुनः अपने पुरुषार्थ के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे उससे दुगना जो है वापस पाने की स्थिति को दिखा रही है। और 3 रेखाओं का होना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है। अगर आपकी हथेली में 3 मणिबंध की रेखा है और ये रेखा जितनी साफ सुथरी, जितनी स्पष्ट तरीके से होती जाती है
उतनी सुख, उतनी समृद्धि और उतनी संपन्नता व्यक्ति के जीवन में आती है। आप अगर देखोगे यहाँ से निकलकर एक रेखा जो है चंद्रमा की ओर आती हुई दिखाई दे रही, जो बुध की ओर जा रही है, आपके अंदर व्यापारिक गुणों में ये वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिख रही है, लेकिन व्यापार में उतना वृद्धि नहीं है क्योंकि अभी पहुँचे नहीं है। जितनी ये लंबी होती जाएगी उतना विस्तार आपका काम का होता जाएगा। बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक चिन्ह बना रहा है। ये साइन बता रहा है कि धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी आपके अंदर रहेंगी। एक रेखा यहाँ से निकलती हुई और इस तरफ से जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये रेखा शुक्र से निकलती है तो विदेश में सेटलमेंट के योग बनाती है, विदेश के योग बनाती है। ये रेखा अगर जीवन रेखा से निकलती है तो फूडिंग बिजनेस में, शिपिंग में, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में व्यक्ति बहुत बड़ा कामयाब हो जाता है। अगर ये रेखा सुंदर हो और जीवन रेखा से निकल रही हो और चंद्रमा पे जा रही हो। दूसरी बात, यहाँ पे एक रेखा और जा रही है लेकिन केवल ये एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुक के आगे नहीं बढ़ी है, केवल मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है, मतलब निर्णय लेने वाले रेखा पे और जीवन की रेखा से निकल रही है। इसका मतलब है व्यापारिक गुणों में अथाह वृद्धि देती हुई दिखाई दे रही है। मस्तिष्क की रेखा आपकी बहुत सुंदर है, ऊपर मंगल का प्रभाव पड़ने के कारण तीव्र बुद्धि है, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता दिखाई दे रही है। नीचे चंद्रमा पे पड़ने के कारण क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है और कल्पना बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये यात्रा का भी ग्रह है तो एक सुंदर यात्रा की ओर भी, भव्य यात्रा की ओर भी यहाँ पे इशारा करती हुई नज़र आ रही है। भाग्य रेखा भी आपकी बहुत सुंदर है, मणिबंध से निकल रही है और लंबी है। इतनी लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति के योग बनाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति को वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन एक सावधानी भी बता रही है यहाँ पे, आगे नहीं बढ़ी, केवल एकाएक जो है हृदय रेखा पे मिल गई। कहीं ना कहीं भावनाओं के वशीभूत होकर अपने पूरे विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है सब्र करना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा जो है जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, बड़ा सोच समझ कर निर्णय लेना है। अब इन सभी रेखाओं के मिलने से स्पष्ट तरीके से एक एम की आकृति दिखाई दे रही है और ज़्यादातर मामलों में 99% मामलों में जो है ये आकृति जिस भी व्यक्ति की हथेली में बनती है और उनका बृहस्पति, उनका शुक्र और उनका सूर्य, ये ग्रह अपनी मजबूत और यथावत स्थिति में रहते हैं, तो ऐसा जातक 35वें वर्ष से लेके, मतलब 36वें वर्ष से लेके और 55वें साल तक खूब धन कमाता है। और इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद तेजी से होगा या तेजी से हुआ होगा और भगवान शंकर और माँ पार्वती की कृपा ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी रहती है। यदि ये साइन फल नहीं दे रहा है तो भगवान शंकर के शरणागति जरूर चले जाइएगा, निश्चित रूप से बहुत सुंदर फल आपको मिलेगा जीवन में, आपकी इच्छाओं की पूर्ति निश्चित रूप से होगी। और ऐसे लोग तो तीव्र बुद्धि के होते ही हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बिजनेस में हो तो बहुत अच्छे पार्टनर होते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के प्रति बहुत ईमानदार ऐसे लोग होते हैं और ज़्यादातर मामलों में इनके दोस्त भी जो है इनसे झूठ नहीं बोलते हैं और ये भी दोस्तों के लिए खास होते हैं। ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी बहुत लकी होते हैं और ऐसा कहा गया है कि ऐसे लोग जिस व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं उसकी भी कहीं ना कहीं किस्मत चमक जाती है। ये सुंदर योग जो है आपकी हथेली में बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हम ग्रहों की ओर चले, पहले अंगूठे को देख लेते हैं। अंगूठा आपका ठीक है, लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। दोनों उंगलियों के बीच में एक सुंदर योग की आकृति बन रही है, आँख की आकृति बन रही है। आपको अपने जीवन काल में जिस तरह से आपकी रेखाएं भी हैं,
निश्चित तौर पे अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख की प्राप्ति होगी। या नहीं हो सकती है किसी कारणवश तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, लेकिन घर का सुख मिलेगा। थोड़ा भावुक किस्म के आदमी भी आप दिखाई दे रहे हैं, भावुकता भी जो है आपके अंदर यहाँ पे दिखती हुई नज़र आ रही है, ये भी ठीक है। एक रेखा इस तरह से निकल रही है, लग्जरी की तरफ भी जो है बहुत ज़्यादा आकर्षण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र पर्वत आपका बहुत सुंदर है, पुष्ट है, अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिख रही है। इसका मतलब है आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो भी यहाँ पे बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है और नई चीज़ों के प्रति रुझान दिखाई दे रहा है। परिवार का आपको भरपूर सहयोग मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है और कहीं ना कहीं जो है भौतिक सुख सुविधाओं में भी ये आपको संपन्नता की ओर ले जाता हुआ शुक्र आपको दिखाई दे रहा है। देखिएगा कैसा भी हो, लेकिन आपके अंदर आकर्षण की शक्ति, सौंदर्य की शक्ति ये पैदा कर रहा है, व्यक्तित्व को बहुत सुंदर बनाता हुआ दिख रहा है और यही आपको सुख देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल देखें तो बहुत ज़्यादा दबाव अभी यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा रेखाएं भी दिख रहा है, ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता हुआ या पेट संबंधी या कोई विकार या आँखों संबंधी विकार, इस तरह का विकार ये दे सकता है या शरीर में कमजोरी दे सकता है या पेट में जो है थोड़ा विकार दे सकता है। थोड़ा इस ओर सावधान रहने की ज़रूरत है और निर्णय लेने की क्षमता में भी ये असर डाल सकता है। और भूमि और भूमि से संबंधित चीज़ों का अगर व्यापार कर रहे हो तो उसमें जो है नॉर्मल से भी कम स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मंगल बहुत ज़्यादा उठ गया है तो थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव भी ये आपको दे सकता है। आपका शनि वर्तमान समय में अगर देखा जाए कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं आपको देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर नौकरी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मानसिक दबाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अड़चन देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका सूर्य देखें, सूर्य में बहुत सारी लकीरें एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही है, ये ठीक नहीं है। ऐसे में व्यक्ति का व्यक्तित्व धूमिल होने का काम ये करवाती है। दूसरी बात, जितना मेहनत करता है व्यक्ति, जितना परिश्रम करता है, उस हिसाब से न तो व्यक्ति को श्रेय मिल पाता है न क्रेडिट मिल पाता है। इसके लिए आपको सूर्य को बलवान करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और करना पड़ेगा। आपका सबसे खूबसूरत पर्वत यहाँ पे बुध दिखाई दे रहा है। देखिए ये बुध ग्रह है, ये हमारी बुद्धि का, हमारी वाणी का और हमारी एकाग्रता का स्वामी है। हमारी बुद्धि कैसी रहेगी, हमारी वाणी कैसी रहेगी और हमारी एकाग्रता कैसी रहेगी, इसके पीछे ये बुध महाराज है। आपका बुध बहुत सुंदर अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहने वाले हैं बुध के हिसाब से। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल होगी, सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। अपनी बात को कब रखना है, कैसे रखने हैं, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। और वाणी की शक्ति से लेकर और योजनाबद्ध तरीके से काम करने से लेकर ये अच्छे गुण आप में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा उठा है, छोटा काम करेंगे तो भी नाम और फेम पाने की इच्छा बनी रहेगी। चंद्रमा भी आपका लगभग बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बैठा हुआ है जिसके कारण कभी कभार काम में मन नहीं लगता है, मन गड़बड़ रहता है या इमोशनली परेशान हो जाते हैं या कभी कभी नींद आने में दिक्कत हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा अगर कमज़ोर स्थिति, गड़बड़ स्थिति में होता है तो माँ का सुख नहीं मिलता है या सरकारी कामों में विस्तार नहीं हो पाता है या पेट से संबंधित थोड़ा विकार उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन सकारात्मक सोच देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें, धन का एम साइन बहुत सुंदर आपकी हथेली में है और बाकी ग्रहों की स्थिति मैंने बता दिया है, उस हिसाब से मैं उसका उपाय भी दे रहा हूँ। उन उपायों को करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।